सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हार भी जाओ तो ऐसे हारो कि जीतने वाले से ज्यादा चर्चे आपके हो। मेरे औकात से ज्यादा मुझे कुछ न देना मेरे ईश्वर, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। आज का पंचांग 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 4:28 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:18 से 4:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। धनुराशि 7 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, आपके वर्तमान जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ रही हैं, लेकिन आपको उनसे जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अपना नजरिया हमेशा की तरह सकारात्मक बनाए रखें, स्थिति जल्द ही बेहतर होगी। लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप उनकी सहायता में व्यस्त होकर अपनी चिंताएं भूल जाएंगे। पिछले काफी समय में युवा लोग किसी काम को लेकर कोशिश कर रहे थे, आज उनसे संबंधित उचित परिणाम हासिल होने की उम्मीद है। आपको अपने किसी कार्य में सफलता हासिल होने वाली है, इसलिए हर काम को बहुत सोच समझ कर तथा मन लगा कर करें। युवाओं को अचानक से प्रगति मिल सकती है। जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। जो चीजें आपको आसानी से मिल रही है उनकी कद्र करना सीखें। साथ में निकले अवसर आपको निराश कर सकती हैं। अभी खुद के स्वभाव में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलने से उचित कामों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पार्टनर एक दूसरे के लिए आकर्षण महसूस करेंगे। अपचय की तकलीफ ना बढ़े इस बात का ध्यान रखें। आप किसी प्रोजेक्ट रिसर्च पर काम कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित लोगों को ईमानदारी के साथ काम करना होगा। कोर्ट कचहरी के काम में छुटकारा भी मिल सकता है। सावधानियां, किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है तो पहले उसकी वापसी भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि पैसा फंस भी सकता है। ध्यान रखें दूसरों के मामलों में दखल ना दें, बिन मांगे सलाह भी ना दें, किसी के द्वारा आपकी मान हानि हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रही हैं, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसलिए जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। बात करते हैं करियर की। आज आपका भाग्य सट्टा व्यापार एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज के दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। ये निर्णय आपके वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कारोबारी गतिविधियां बेहतर होगी। छोटी मोटी परेशानियां आएगी, समय रहते मुश्किलों और परेशानियों का हल निकाल लेंगे। ऑफिस में टारगेट पूरा हो जाने से बहुत ही सुकून और राहत महसूस होगी। बात करते हैं सेहत की। आपको आज कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपके व्यापार में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उनकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिली जुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। आज का उपाय, आज आप हनुमान मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।